गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो कल सिंथेसिस में जो छूटा हुआ था पार्टिसिपल। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने पहले से आपको आज लिख करके रखा है, केवल समझाना है। समझिए, पार्टिसिपल मैंने कल बताया था नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है, जो कि एक वर्ब का ही पोर्शन है। ये एक वर्ब से ही सेगमेंट निकला हुआ है। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट के अंतर्गत माना जाता है। अगर हम इसके डिफिनेशन को देखें, पार्टिसिपल इज अ पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। अ पार्टिसिपल इज अ पार्टली अ वर्ब, सॉरी, अ पार्टिसिपल इज अ पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली अ एन एडजेक्टिव। अ पार्टिसिपल इज ऑल्सो नोन एज वर्बल एडजेक्टिव एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डबल पार्ट ऑफ स्पीच। जरा समझे, डिफिनेशन हमारी क्या बोल रही है कि जो पार्टिसिपल है वो एक वर्ब की तरह भी कार्य करती है और एक एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करती है और एक वर्बल एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करती है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा, तो उसमें हमने बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे जिनमें से हमारा एक वर्ब भी था। लेकिन हर पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे अलग अलग हैं। लेकिन जब हम नॉन फाइनाइट पोर्शन में अपने जाते हैं, इस नॉन फाइनाइट पोर्शन के वर्ब में, तो वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है कि पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनिटिव, तीन इस तरीके के वर्ब पोर्शन हमें मिलते हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से भी काम कर सकते हैं। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच दो तरीके से या दो से अधिक तरीके से भी काम करने लग जाती है। पार्टिसिपल भी उन्हीं में से एक है। इसी कारण अभी परिभाषा में भी मैंने आपको बताया कि ये एक वर्ब की तरह भी कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर एज एन एडजेक्टिव भी कार्य करता है और वर्बल एडजेक्टिव भी कार्य, इसीलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव दोनों का मिक्सअप वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में इसका दूसरा नाम जो है वो डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी इसीलिए इसे कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ब होने के साथ साथ नाउन या एडजेक्टिव इत्यादि का कार्य भी करने लग जाता है, इसलिए इसको पार्टिसिपल को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। अब हम एक अपनी नजर रखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, तो बेसिकली मैंने कल भी आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल एंड द थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था कल कि एक्शन पर रिएक्शन और सब्जेक्ट एक ही होता है, तो पार्टिसिपल पोर्शन जितना भी हमारे सामने है इसमें हमेशा सब्जेक्ट एक ही होता है और फाइनाइट वर्ब अलग अलग दी जा सकती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने यहाँ पर एक केवल साइन के तौर पर एक लिख दिया है, एक्शंस दैट आर ऑन गोइंग इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट। इस तरीके के कार्य दैट आर ऑन गोइंग जो जारी हैं, समाप्त नहीं हुए, जारी है, एक ही समय में दो कार्यों का होना, इसी को कहा जा रहा है एक्शन दैट आर ऑन गोइंग। इनकम्प्लीट पूर्ण भी नहीं होते और इम्परफेक्ट पर्याप्तता भी उनमें नहीं पाई जाती। इसी तरीके से जब हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल हम देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, डिनोट्स द कॉम्प्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, जो कि किसी पास्ट में किसी कार्य को पूर्ण करने का भाव दर्शाता है। पास्ट पार्टिसिपल इंडिकेट्स अ कंप्लीट वर्क, इंडिकेट्स अ कंप्लीट वर्क एंड इन डी ई डी टी एंड ई एन, इसका जो समापन होता है वो अधिकांशतः डी पर, ई डी पर, टी पर या ई एन पर होता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो जैसे पहला एग्जाम्पल है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड है, Being hungry the tiger killed a goat. Being होकर hungry भूखा the tiger बाघ ने killed मार दिया a goat एक बकरी को। इन दोनों सेंटेंस, यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक तो उसका भूखा होना और दूसरा उसका बकरी को मार देना। इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो टाइम है, जो स्पेस ऑफ टाइम है वो बहुत बहुत थोड़ा सा है और उसको शायद हम जान भी नहीं सकते कि वो कोई भी बाघ है अगर वो भूखा है और भूखा होने के बाद क्या वो सोचेगा मारने के लिए, नहीं,
यानी कि एक्शन पर रिएक्शन, उसके अंदर ये एक्शन हुई जिसके परिणाम स्वरूप उसने दूसरा वाला कार्य कर दिया, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखते हैं, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, अपना लिखित कार्य पूर्ण करके शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। यहां पर हमने देखा हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, एक कार्य पूरी तरह से जब समाप्त हुआ होगा, सेंस हमारा होना चाहिए, हमारा सेंस इसी बात पर आ रहा है कि जब एक कार्य समाप्त हो जाएगा तभी यहां पर दूसरा कार्य हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो काम करते हुए बाजार गई है, ऐसा नहीं है, यानी एक कार्य समाप्त हुआ और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ, ये दर्शाता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल को। एंड द थर्ड वन इज द पास्ट पार्टिसिपल, इसमें हमने देखा कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया, जो ऑलरेडी खो चुका था, उस पेन की विशेषता क्या थी, जो खो गया था। मैंने कल आपको बताया था कि इस पूरे सेंटेंस में जो लॉस्ट है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये इस पेन की विशेषता है, और कल के एक सेंटेंस में मैंने आपको ब्लाइंड को बॉय से पहले रखा था, और ये हमारा नाउन है, जो पेन है ये हमारा नाउन है, तो जो भी नाउन है उसकी जो भी विशेषता है वो उस नाउन से ठीक पहले रख दी जाती है, ये ऐसा पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत होता है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पार्टिसिपल इज अ पार्टली अ वर्ब एंड अ पार्टली एन एडजेक्टिव, अ पार्टिसिपल इज ऑल्सो नोन एज वर्बल एडजेक्टिव, इसीलिए से वर्बल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डबल पार्ट ऑफ स्पीच, ये कभी कभी दोहरे काम करती है, इसकी वजह से इसे डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, एंड द लास्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या है, एक्शन दैट आर ऑन गोइंग, वो कार्य जो एक ही समय में जारी हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत रखे जाते हैं, और इसी के अंतर्गत एक कार्य दूसरे पर आश्रित भी होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में कोई कार्य संपूर्णता, कार्य की संपूर्णता को दर्शाता है। एंड द लास्ट पास्ट पार्टिसिपल इंडिकेट्स अ कंप्लीट वर्क एंड इन इन डी ई डी टी और ई एन, एंड इन पास्ट भी लिख सकते हैं हम यहां पर, कि ये पास्ट में एक कार्य का समाप्त होने को एक कार्य का पास्ट में समाप्त होना जरूर दर्शाता है, और अंत इसका किस पर होता है, डी पर या ईडी पर, टी पर या ईएन पर। हमने देखा फाउंड में डी लास्ट, इसका क्या है, डी है, और ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि पार्टिसिपल हम बनाएंगे किसको, जैसे यहां पर हमने देखा बीइंग, आईएनजी इसमें जुड़ा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, हैविंग ये परफेक्ट पार्टिसिपल था, और डी ये पास्ट पार्टिसिपल था। तो पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पार्टिसिपल अगर है वो सिर्फ फाइनाइट वर्ब पर ही बनाया जा सकता है। इतने में आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेक योर टाइम।